हेलो स्टूडेंट, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्थ क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डियर स्टूडेंट, इन वैक वीडियो ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास आई हैड टॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस and present continuous tense, and you will have learnt these back two topics. I hope you will be speaking in present indefinite tense and present continuous tense. Today I shall teach next topic, present perfect tense. As you know that the identification of present perfect वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, etc. Let's start formulas of present perfect tense, which that I have written in six ways: in positive ways, in negative ways, in interrogative ways, in interrogative negative ways, in WH ways, in WH negative ways. In positive ways, if singular subject, then formula subject plus has प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इफ प्लूरल सब्जेक्ट देन फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इन नेगेटिव वेज, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैजंट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इफ प्लूरल सब्जेक्ट देन फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैवंट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इन इंटरोगेटिव वेज, इफ सिंगुलर सब्जेक्ट देन फॉर्मूला हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इफ प्लूरल सब्जेक्ट देन फॉर्मूला हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इन इंटरोगेटिव वेज, if singular subject then formula hasn't plus subject plus verb ki third form plus object. If plural subject then formula haven't plus subject plus verb ki third form plus object. In WH ways, and if singular subject then formula WH plus has plus subject plus verb ki third form plus object. If plural subject then formula WH plus have plus subject plus verb ki third form plus object. In WH negative ways, and singular subject then formula WH plus hasn't plus subject plus verb ki third form plus object. And if plural subject then formula WH plus haven't plus subject plus verb ki third form plus object. Then we put formulas in this sentence. If sentence with singular subject, मेरी माँ खाना पका चुकी है, My mother has cooked the food. मेरी माँ खाना नहीं पका चुकी है, My mother hasn't cooked the food. In negative ways. Interrogative ways, क्या मेरी माँ खाना पका चुकी है, Has my mother cooked the food? क्या मेरी माँ खाना नहीं पका चुकी है, In WH, in interrogative negative,
Hasn't my mother cooked the food? मेरी माँ खाना क्यों पका चुकी है? WH ways. तो why has my mother cooked the food? मेरी माँ खाना क्यों नहीं पका चुकी है? WH negative ways. Why hasn't my mother cooked the food? अब हम आगे बढ़ते हैं. सेंटेंस विद प्लूरल सब्जेक्ट. तुमने अखबार पढ़ लिया है. इन पॉजिटिव वेज. यू हैव रीड द बुक. इन नेगेटिव वेज. तुमने अखबार नहीं पढ़ा है. यू हैवंट रीड द न्यूज़पेपर. इन इंटरोगेटिव वेज. क्या तुमने अखबार पढ़ा है. हैव यू रीड द न्यूज़पेपर. क्या तुमने अखबार नहीं पढ़ा है. हैवंट यू रीड द न्यूज़पेपर. इंटरोगेटिव नेगेटिव वेज में. इन WH वेज. तुमने अखबार क्यों पढ़ा है. व्हाई हैव यू रीड द न्यूज़पेपर. इन WH नेगेटिव वेज. तुमने अखबार क्यों नहीं पढ़ा है. व्हाई हैवंट यू रीड द न्यूज़पेपर. लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस विद सिंगुलर सब्जेक्ट. उसने सांप मारा है. ही हैज किल्ड द स्नेक. उसने सांप नहीं मारा है. ही हैजंट किल्ड द स्नेक. क्या उसने सांप मारा है. हैज ही किल्ड द स्नेक. क्या उसने सांप नहीं मारा है. हैजंट ही किल्ड द स्नेक. उसने सांप क्यों मारा है. वाई हैज किल्ड द स्नेक. उसने सांप क्यों नहीं मारा है. वाई हैजंट ही किल्ड द स्नेक. राम ने पत्र लिखा है. राम हैज रिटन अ लेटर. राम ने पत्र नहीं लिखा है. राम हैजंट रिटन ए लेटर. क्या राम ने पत्र लिखा है. हैज राम रिटन ए लेटर. क्या राम ने पत्र नहीं लिखा है. हैजंट राम रिटन ए लेटर. राम ने पत्र क्यों लिखा है. Why has Ram written a letter? Ram ने पत्र क्यों नहीं लिखा है. Why hasn't Ram written a letter? गीता ने पत्र डाक में डाला है. गीता has posted the letter. गीता ने पत्र डाक में नहीं डाला है. गीता hasn't posted the letter. क्या गीता ने पत्र डाक में डाला है. Has गीता posted the letter? क्या गीता ने पत्र डाक में नहीं डाला है. हैजंट गीता पोस्टेड द लेटर. गीता ने पत्र डाक में क्यों डाला है. वाई हैज गीता पोस्टेड द लेटर. गीता ने पत्र डाक में क्यों नहीं डाला है. वाई हैजंट गीता पोस्टेड द लेटर. ये प्रैक्टिस हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो गई. अब हम प्रैक्टिस विद प्लूरल सब्जेक्ट. मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ. I have learnt my lesson. मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ. I haven't learnt my lesson. क्या मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ. Have I learnt my lesson? क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ. Haven't I learnt my lesson? मैं अपना पाठ क्यों याद कर चुका हूँ. Why have I learnt my lesson? मैं अपना पाठ याद क्यों नहीं कर चुका हूँ. Why haven't I learnt my lesson? हम मंदिर में पूजा कर चुके हैं. We have worshipped in temple. हम मंदिर में पूजा नहीं कर चुके हैं. We haven't worshipped in temple. क्या हम मंदिर में पूजा कर चुके हैं. Have we worshipped in temple? क्या हम मंदिर में पूजा नहीं कर चुके हैं. Haven't we worshipped in temple? हम मंदिर में पूजा क्यों कर चुके हैं. Why have we worshipped in temple? हम मंदिर में पूजा क्यों नहीं कर चुके हैं. Why haven't we worshipped in temple? तुम अपने कपड़े निचोड़ चुके हो. You have wrung the clothes. तुम कपड़े नहीं निचोड़ चुके हो. Sorry, इससे पहले अपना नहीं लगा था. तुम कपड़े निचोड़ चुके हो. You have wrung the clothes. तुम कपड़े नहीं निचोड़ चुके हो. You haven't wrung the clothes. क्या तुम कपड़े निचोड़ चुके हो.
हैव यू रंग द क्लॉथ्स, क्या तुम कपड़े नहीं निचोड़ चुके हो? हैवंट यू रंग द क्लॉथ्स, तुम कपड़े क्यों निचोड़ चुके हो? वाई हैव यू रंग द क्लॉथ्स, तुम कपड़े क्यों नहीं निचोड़ चुके हो? वाई हैवंट रंग द क्लॉथ्स, वाई हैव यू नॉट भी बोल सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम सीधे बोलेंगे वाई हैवंट यू रंग द क्लॉथ्स। वे कपड़े पहन चुके हैं, दे हैव वॉर्न क्लॉथ्स, वे कपड़े नहीं पहन चुके हैं, दे हैवंट वॉर्न द क्लॉथ्स, क्या वे कपड़े पहन चुके हैं, हैव दे वॉर्न क्लॉथ्स, क्या वे कपड़े नहीं पहन चुके हैं, हैवंट दे वॉर्न क्लॉथ्स, वे कपड़े क्यों पहन चुके हैं, वाई हैव दे वॉर्न क्लॉथ्स, वे कपड़े क्यों नहीं पहन चुके हैं, वाई हैवंट दे वॉर्न क्लॉथ्स। नाउ लेट्स स्टार्ट इंग्लिश प्रैक्टिस विथ 60 सेंटेंसेस। मैं किताब खरीद चुका हूँ। अब मैं केवल इसकी इंग्लिश बनाऊंगा, हिंदी में नहीं बोलूंगा, और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आई हैव बॉट द बुक्स, आई हैवंट बॉट द बुक्स, हैव आई बॉट द बुक्स, हैवंट आई बॉट द बुक्स, वाई हैव आई बॉट द बुक्स, वाई हैवंट आई बॉट द बुक्स। वी हैव गिवन हिम मनी, वी हैवंट गिवन हिम मनी, हैव वी गिवन हिम मनी, Haven't we given him money? Why have we given him money? Why haven't we given him money? You have reached England. You haven't reached England. Have you reached England? Haven't you reached England? Why have you reached England? Why haven't you reached England? They have won the match. They haven't won the match. Have they won the match? Haven't they won the match? Why have they won the match? Why haven't they won the match? The children have done the work. The children haven't done the work. Have the children done the work? Haven't the children done the work? Why have the children done the work? Why haven't the children done the work? He has understood the reality. He hasn't understood the reality. Has he understood the reality? Hasn't he understood the reality? Why has he understood the reality? Or why hasn't he understood the reality? He has told him everything. He hasn't told him everything. Has he told him everything? Hasn't he told him everything? Why has he told him everything? Why hasn't he told him everything? The child has broken the plate. The child hasn't broken the plate. Has the child broken the plate? Hasn't the child broken the plate? Why has the child broken the plate? Why hasn't the child broken the plate? Mohit has made a plan. Mohit hasn't made a plan. Has Mohit made a plan? Hasn't Mohit made a plan? Why has Mohit made a plan? Why hasn't Mohit made a plan? Geeta has broken her promise. Geeta hasn't broken her promise. Has Geeta broken her promise? Hasn't Geeta broken her promise? Why has Geeta broken her promise? Why hasn't Geeta broken her promise? आपने इस तरीके से हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट को भी 60 सेंटेंस में आपने प्रैक्टिस किया। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रैक्टिस किया, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रैक्टिस किया, आपने प्रेजेंट परफेक्ट को भी प्रैक्टिस कर लिया। आई थिंक आप इन तीनों टेंस को भलीभांति समझ चुके होंगे। अब आप आराम से इन तीनों टेंस को किसी भी वे में, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, WH हो, WH नेगेटिव हो, आप सीधा जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप और प्रैक्टिस कीजिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतनी ही प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए इन तीन टेंसों की।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चौथा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आपको इसी तरीके से रोज प्रैक्टिस करना है इन्हीं टेंसों को। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी इंग्लिश बोलने की, अगर आप इन टेंस को भलीभांति इन सिक्स वेज में जब आप बोलना सीख लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कुछ बाहर आएगा इंग्लिश बोलने के लिए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, आपके जुबान पे सेंटेंस आने लगेंगे और इस तरीके से आप उसे अपनी भाषा के रूप में, इंग्लिश भाषा के रूप में, इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में आप उसको कहीं भी यूज़ कर पाएंगे। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फोर्थ टॉपिक होगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।